हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन बाग एकेडमी। दिस साइड अंकिता, और आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे क्या आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए फॉर द एग्जाम, राइट। तो यस गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि 10th of मार्च को आपका फिजिक्स का पेपर है। अब 10th of मार्च को फिजिक्स का पेपर तो है, तो फिजिक्स के लिए आपको लगभग 4 से 5 दिन मिल गए प्रिपरेशन करने के लिए। तो आपका प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से हो गया, राइट। क्योंकि 5 दिन में हम लोग सोचते हैं कि अच्छा खासा प्रिपरेशन हो जाता है। लेकिन अगर मैं देखती हूँ केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, तो केमिस्ट्री का पेपर है आपके 12th of मार्च को, राइट। और 12th of मार्च को अगर देखा जाए, और आप 10th को फिजिक्स का पेपर दे के आएंगे, राइट, तो 10th of मार्च को आपका फिजिक्स का पेपर है, ठीक है, और 12th of मार्च को आपका केमिस्ट्री का पेपर है, राइट। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो आपको लगभग यहाँ पे बीच में 1 डे का गैप मिलता है। और 1 डे का गैप हम लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बनाई, तो ये 1 डे भी आपके लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। ये 1 डे भी आपके लिए सारा प्रिपरेशन आपका हो जाएगा इस 1 दिन में। लेकिन उसके लिए हमको चाहिए एक प्रॉपर प्लानिंग। तो दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैम इतने सारे सब्जेक्ट है, हम लोग क्या क्या पढ़े क्या क्या नहीं पढ़े कुछ समझ नहीं आ रहा है, और इतने सारे सब्जेक्ट्स में इतने सारे चैप्टर्स भी है, तो कैसे क्या पढ़े, राइट। तो उसी के लिए एक सबसे बढ़िया तरीका ये है कि उसके लिए एक स्ट्रैटेजी आपके पास हो। और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप स्ट्रैटेजी बनाओ अपने खुद के लिए हर एक सब्जेक्ट वाइज, तो उस वो काम मैंने आपका हल्का कर दिया है। मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगी, ये वीडियो ज्यादा देर का नहीं रहेगा, क्योंकि आई नो कि आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप लोग इस वीडियो को बैठ के देख सके, राइट। तो ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो 20 या 25 मिनट्स का रहेगा, लेकिन ये वीडियो देखने से आप लोग अपने उस 1 दिन को भी बहुत बढ़िया तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, इसका गारंटी आपको मैं देती हूँ, ठीक है। चलिए, तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप लोग कैसे क्या पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। जरा ध्यान से सुनना, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी ये स्ट्रेटेजी, ठीक है। चलिए देखते हैं। कहना मुझे यहाँ पे ये है कि जब आप 10th of मार्च के दिन पेपर देके आएंगे, ठीक है, तो समझ लो कि आप 3 बजे तक घर में आते हो, तो आप 4 बजे तक पूरा फ्रेश हो जाओ, बढ़िया तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा सा घूम लो फिर लो। ऐसा नहीं कि मैं आज फिजिक्स का पेपर देके आया और बस आते से ही भाई पानी पियो और केमिस्ट्री का बुक निकाल के पढ़ना चालू, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। थोड़ा सा माइंड को एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स का रिलैक्सेशन दो, जिसमें आप कुछ भी काम मत करो, सिर्फ 10 से लेके 15 मिनट्स तक एक कोरा बैठो, आंखें बंद करो और एकदम बढ़िया तरीके से सिर्फ मतलब ऐसा रिलैक्स फॉर्म में रहो। ज्यादा सोचो मत, क्योंकि ज्यादा सोचने पर कुछ भी काम ढंग से नहीं होता है। जितना ज्यादा हम सोचते हैं हमारा दिमाग उतना ही ज्यादा खराब होते जाता है, राइट, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेटेजी है ये मैं अपने तरीके से बना रही हूँ, मैं ऐसा सोच के बींग कि मैं 12th का स्टूडेंट हूँ और मैं एक मेरी स्ट्रेटेजी कैसे क्या रहेगी, ठीक है। अब देखो क्या होगा, आप 10th तारीख को आप फ्री हो जाओ 4 बजे तक, ठीक है, 4 बजे से लेकर 6 बजे तक के। सबसे पहले देखो आप लोग क्या पढ़ेंगे, 4 बजे से लेके 6 बजे तक के ये 2 घंटे हैं। ये 2 घंटे में आप चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक के सारे न्यूमेरिकल्स को सबसे पहले पढ़ लो। रीजन ये है क्योंकि अगर आपने न्यूमेरिकल्स को पहले नहीं पढ़ा, तो आपके पास बाद में 1 या 2 मिनट का भी टाइम नहीं रहेगा कि आप न्यूमेरिकल को हाथ लगा पाएंगे। और आपको ये बात भी बहुत अच्छे तरीके से पता है कि फिजिकल केमिस्ट्री में जितना थ्योरी इम्पोर्टेंट होता है, मतलब ही चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक के जितना थ्योरी इम्पोर्टेंट है, उसी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। आप न्यूमेरिकल को स्किप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं न्यूमेरिकल नहीं पढ़ता हूँ, जो होगा देख लेंगे, ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। तो आपको न्यूमेरिकल भी पढ़ना है। तो न्यूमेरिकल कब पढ़ेंगे, क्योंकि आपके पास तो उतना टाइम नहीं है, तो आप लोग 4 बजे से लेके 6 बजे तक के 10 तारीख के दिन 10th of मार्च को चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक के सारे न्यूमेरिकल्स कर डालो। अब आधे न्यूमेरिकल्स तो वैसे भी आप अगर देखते हो तो रिड्यूस पोर्शन में रिड्यूस हो चुके हैं, तो कुछ ही न्यूमेरिकल बचते हैं, तो वो न्यूमेरिकल बहुत अच्छे तरीके से आप लोग रिवाइज कर लो, ठीक है। मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आपको वन शॉट सारी चीजें सब पढ़ा दिए, राइट। अब देखो क्या करेंगे, तो 4 बजे से लेके 6 बजे तक के आपके न्यूमेरिकल हो जाते हैं, और होना ही चाहिए, टाइम ऐसे लगाओ कि आपका होना ही चाहिए। ये स्ट्रैटेजी को आप अपनाएंगे ना, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि 1 दिन में भी एकदम बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगा आपका, ठीक है। अब 6 बजे आपके न्यूमेरिकल पूरे हो गए, अब आपको देखो करना क्या है, मैं आपको ध्यान से बता रही हूँ, जरा ध्यान से देखना। 6 बजे से लेके 6:30 बजे तक के 6 बजे से लेके 6:30 बजे तक के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन,
6 बजे से लेके 6:30 बजे तक के प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स है। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, क्या प्रीवियस ईयर हम लोग पहले 2001 से देखे, 2001 से लेके 2020 तक? तो नहीं भाई, आपको ऐसा नहीं करना है। आप प्रीवियस ईयर के देखो कौन से पेपर देखने वाले हो। आप देखेंगे 2018 मार्च, 2019 मार्च और 2020 मार्च, ऐसे टोटल 3 पेपर देख लो। जुलाई का पेपर देखने का आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जुलाई का पेपर अगर आप देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा। रीजन ये है क्योंकि जुलाई का जो पेपर है भाई, जुलाई के पेपर में अगर मैं बोलूँ ना तो वो क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा टफ रहते हैं, और वो टफ क्वेश्चंस देख के हमारे कॉन्फिडेंस डाउन होता है। तो मार्च का देखो, क्योंकि आपको मार्च का देने का है, तो मार्च में आपको आइडिया मिल जाएगी। 2018, 2019 और 2020, बस ये 3 ईयर्स के पेपर उठाओ और देखो इसमें, देखो कौन से न्यूमेरिकल आए हैं। और वो न्यूमेरिकल सिर्फ आपको सॉल्व करके ही देखना, ऐसा नहीं कि आप सॉल्व करते बैठेंगे पागल जैसे, वैसा नहीं। ये आधे घंटे में सिर्फ आपको वो न्यूमेरिकल देखना है, क्वेश्चन पढ़ना है और देखना है कि क्या मुझे ये सॉल्व करते जम जाएगा, हाँ या ना, बस यही वाली चीज आपको वहां देखना है। इससे आपका बहुत बढ़िया तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, समझ गए? तो 10 तारीख के दिन शाम को 4 बजे से लेके 6 बजे तक के चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक के सारे न्यूमेरिकल्स बढ़िया तरीके से कर डालो, ठीक है? फिर 6 बजे से लेके 6:30 बजे तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो, 2018 मार्च, 2019 मार्च, 2020 मार्च। इसमें सिर्फ आपको सॉल्व करके नहीं देखना है, आपको सिर्फ देखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है? इतना पार्ट आपका क्लियर हो गया। अब उसके बाद में आप लोग क्या करेंगे, 7 बजे तक कुछ भी नहीं करेंगे। 7 बजे तक आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, फ्री हो जाओ, क्योंकि बीच में आपको रिलैक्सेशन का टाइम देना ही पड़ेगा। उसके बाद में आप लोग क्या करेंगे, आप लोग भिड़ जाएंगे 7 बजे से लेकर। अब हर किसी का पढ़ने का टाइमिंग अलग अलग होता है, कुछ लोग क्या करते हैं रात को पढ़ते हैं और कुछ लोग सुबह पढ़ते हैं, तो वो डिपेंड करता है ना, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर में कि आप कैसे क्या पढ़ते हो। 8, 9, 10, 11, 7 बजे से लेके 11 बजे तक के, 7 बजे से लेके 11 बजे तक के आप चालू कर दो फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब ही क्या हुआ, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक के। अब एक चीज मेरी जरा ध्यान से समझो, रीजन ये है, 7 o'clock से लेकर 11 o'clock तक आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं फिजिकल केमिस्ट्री पहले नहीं पढ़ता हूँ, उसको मैं 11 तारीख के दिन पढ़ूंगा, तो वैसा बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि ये जो फिजिकल केमिस्ट्री है ना, ये सबसे ज्यादा लेंदी पोर्शन है। अगर ये लेंदी पोर्शन को आपने 10 तारीख के दिन कंप्लीट नहीं किया, तो 11 तारीख के दिन आपको कुछ भी नहीं सोचेगा मैं क्या पढ़ू करके, समझ गए ना? इसलिए फिजिकल केमिस्ट्री जो है मेरे हिसाब से उसको सबसे पहले पकड़ना चाहिए, क्योंकि ये सबसे लेंदी है। और छोड़ने की गलती भी मत करना भाई, छोड़ने की गलती की है तो गए आप लोग, समझ गए? तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, 10 तारीख के दिन 4 बजे से लेके 6 बजे तक चैप्टर 1 से चैप्टर 6 के न्यूमेरिकल्स पढ़ो, 6 बजे से लेके 6:30 बजे तक उसके PYQs देखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 18, 19 और 20 के मार्च के, सिर्फ न्यूमेरिकल्स देखो, और 7 बजे से लेकर 11 बजे तक फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने की कोशिश करो। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6, तो आपको कितने घंटे मिलते हैं, 8, 9, 10, 11, 4 घंटे आपको मिल जाते। टेंशन मत लो, पूरा फिजिकल केमिस्ट्री इतने ड्यूरेशन में नहीं पढ़ना है, मैं आपको बता रही हूँ। अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स एक साथ में पढ़ना है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले आपको कौन से चैप्टर्स पढ़ने के, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर देखा जाए यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको जो ध्यान देना है, सबसे पहला चैप्टर आपको, ऐसा नहीं कि आप लाइन से पूरे चैप्टर्स पढ़ रहे हो, लाइन से अगर चैप्टर्स पढ़ने जाएंगे तो उसके चक्कर में पता है क्या होगा, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर थे, जब आप लोग, जैसे सपोज मैंने सॉलिड स्टेट से स्टार्ट किया, मैं पढ़ते 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 आई और मेरा केमिकल काइनेटिक्स पे आके मैं बहुत थक गई, और पता चला थकने के बाद जो अच्छा चैप्टर था, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर था, उसको मैंने कैसे भी पढ़ के खत्म कर दिया, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए चैप्टर पढ़ते वक्त कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर होना चाहिए। सबसे पहले आप लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर को पढ़ेंगे, सबसे पहले। सेकंड नंबर पे आप लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वो रहेगा आपका थर्मोडायनेमिक्स। इसी फैशन में चैप्टर को पढ़ना है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप पढ़ते हो तो आपकी एनर्जी डबल ट्रिपल होती है, और कुछ समय के बाद एनर्जी जो होती है आप बहुत टायर्ड हो जाते हो। तो इसीलिए पहले जब एनर्जी बहुत ज्यादा है तो इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर्स को कवर करो। तो पहले नंबर पे आप सॉलिड स्टेट को पढ़ो, सेकंड नंबर पे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ो, थर्ड नंबर पे आप पढ़ो केमिकल काइनेटिक्स। थर्ड नंबर पे आप लोग क्या पढ़ेंगे, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। फोर्थ नंबर पे जो चैप्टर है जो आपको पढ़ने का है वो है सॉल्यूशन, ठीक है। और फिफ्थ नंबर पे आप लोग चैप्टर जो पढ़ेंगे वो रहेगा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और सिक्स्थ नंबर पे इजी चैप्टर है आयोनिक इक्विलिब्रिया। अगर उसमें ज्यादा ध्यान देके नहीं पढ़ा तो भी वो वैसे भी हो जाएगा, क्योंकि वो चैप्टर जो है वो तो बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है।
तो अब आप लोगों को 7 बजे से लेकर फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहला चैप्टर आप लोग सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे, फिर थर्मोडायनेमिक्स। रीजन ये है, मैंने जैसा बताया वैसा पढ़ोगे तो बहुत हेल्प मिलेगा, राइट। ये मैं अपने आप को स्टूडेंट की तरह ट्रीट करके बता रही हूँ कि अगर मैं स्टूडेंट होती थी तो मैं कैसे क्या पढ़ती थी। फिर केमिकल काइनेटिक्स, ये 3 सबसे मेजर चैप्टर है। फिर सॉल्यूशन, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर आयनिक इक्विलिब्रिया। तो इसी फैशन में आपको पढ़ने का है। अब आपको एक और चीज जो यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि कुछ चीजें ऐसी रहेंगी जो आपसे होगा ही नहीं। आपको ऐसा लगेगा यार मेरे से ये नहीं हो पा रहा है, ये बिल्कुल ही नहीं हो रहा है दिमाग में, छोड़ दो उसको। ऐसा नहीं कि उसको लेके बैठ गए, उसमें पता चला 2-3 घंटे चले गए, अब ये वो टाइम नहीं है। दिस इज नॉट द करेक्ट टाइम कि आप लोग आपके कंसेप्ट को समझो। नहीं समझ रहे, डायरेक्ट छोड़ना, ऐसा नहीं कि उसको लेके बैठे, ठीक है। बस तो ये हो गए आपके फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स, समझ गए। तो इसी फैशन में आपको सारे के सारे फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स को पढ़ना है, ठीक है। कमिंग बैक टू आवर प्रीवियस थिंग, सो बेसिकली 7 बजे से लेके 11 बजे तक, अब पूरे चैप्टर्स तो होंगे नहीं ना, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 7 बजे से 11 बजे तक नहीं हो पाएंगे। तो आप लोग उसी दिन, मतलब ही 11 तारीख के दिन, 11th of March को सुबह 4 बजे उठेंगे, और सुबह 4 बजे से लेकर लगभग आप लोग सुबह के 8 बजे तक इसी चीज को कंटिन्यू करके ये पूरा फिजिकल केमिस्ट्री खत्म कर दो। मैं चाहती थी तो मैं आपको 7 से 11 भी पूरा फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट करने के लिए बोल सकती थी, बट वो हाइपोथेटिकल है। दिखने में बहुत अच्छा लगता है बट होता नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है। इसलिए मैं आपको ये बोलूंगी कि 7 बजे से लेकर 11 बजे तक आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे बट पूरा नहीं होगा। तो सुबह 4 बजे उठो यार, एक दिन की बात है, एक दिन 4 घंटे भी नींद ले ली तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि पूरी रात जाग के पढ़ो, क्योंकि अगर आप पूरी रात जाग के पढ़ते हो तो आपको दूसरे दिन कुछ भी याद नहीं आएगा, ऐसा मेरे साथ हो चुका है, राइट। इसलिए मैं आपको बोलूंगी कि रात जागने की तो कोशिश मत करना। अगर इस दिमाग को ज्यादा त्रास दिया ना, तो ये दिमाग आपको पेपर के दिन ऐसा त्रास देगा ना जिसकी कोई हद नहीं। इसलिए मैं आपको ये बोलूंगी कि इसको भी आराम दो, 5 घंटे की नींद काफी है, 4 घंटे 5 घंटे की नींद काफी है, उससे ज्यादा मत लो। एक दिन कम भी सो गए तो कोई कुछ होने वाला नहीं है भाई, वैसे के वैसे रहने वाले हो, मैंने तो वैसे ही पढ़ाई की। अब उसके बाद में सुबह के 4 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक रिमेनिंग फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स खत्म कर दो। तो पूरा फिजिकल केमिस्ट्री 11 तारीख को सुबह 8 बजे तक खत्म हो गया। फिजिकल केमिस्ट्री को पहले ही हाथ लगाना, अगर आपने पहले लास्ट के चैप्टर्स को पढ़ने की कोशिश की तो वो तो इजीली हो जाएंगे, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स के साथ पूरा रह जाएगा, ठीक है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि न्यूमेरिकल्स तो भाई अपन को नहीं जमते, मैं नहीं करने वाला, नहीं करेंगे तो फंसेंगे भाई, याद रखना न्यूमेरिकल हर जगह पे रहेंगे, हर जगह पे, समझ गए। तो बस मैंने क्या क्या बताया, 10th of March को 4 बजे से लेके 6 बजे तक के चैप्टर 1 से चैप्टर 6 के न्यूमेरिकल्स, 6 to 6:30 PYQs प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ये 3 ईयर के, 7 to 11 फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर 1 to 6, और 11th of March को सुबह 4 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर 1 to 6, ठीक है। आई होप इतना सबको बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया है, राइट। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे के पार्ट की तरफ। अब 11th of March के दिन ही 8 बजे तक के आपका पूरा फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो गया, ठीक है। ऑल फिजिकल केमिस्ट्री जो था, फिजिकल केमिस्ट्री जो है भाई, वो पूरे तरीके से आपका कंप्लीट हो गया। अब आप लोग देखो क्या करेंगे, अब आप लोग थोड़ा सा रिलैक्सेशन ले लो, है ना, 2 घंटे का रिलैक्सेशन काफ़ी है, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं ना, ऐसा थोड़ी कि पूरा पढ़ना ही है। तो चलो भाई आप लोग स्टार्ट करेंगे 9:30 से, ज़रा ध्यान से सुनना मैं क्या बोलना चाहती हूँ, 9:30 से लेकर लगभग आपका मेरे ख्याल से 2 o'clock तक, 9:30 से लेकर 2 o'clock तक पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग कंप्लीट कर लो, यही सबसे बढ़िया तरीका है। ये स्ट्रेटेजी को जो अपनाएगा उसका दिन इतना बढ़िया तरीके से यूटिलाइज होगा, ये एक दिन 5 दिन के बराबर लगेंगे आपको, इतना बढ़िया तरीके से मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रही हूँ। तो 9:30 बजे से लेके 2 बजे तक के आप लोग क्या पढ़ेंगे, आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर आते हैं, चैप्टर 7 चैप्टर 8 और चैप्टर 9, ऐसे टोटल 3 चैप्टर आते हैं आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो 9:30 बजे से लेकर 2 बजे तक इतना समय काफ़ी है, इस समय में आपके पूरे के पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स खत्म हो जाते हैं, राइट। अब ज़रा यहाँ पे आना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये सारे चैप्टर्स है, चैप्टर 7 टू चैप्टर 9, तो दिमाग में क्वेश्चन आता है क्या हम लाइन से पढ़ेंगे, पहले चैप्टर 7 फिर चैप्टर 8 फिर चैप्टर 9, नहीं भाई नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि फिजिकल केमिस्ट्री में भी आपको सारे चैप्टर्स लाइन से नहीं पढ़ना है, चैप्टर के वेटेज के हिसाब से, चैप्टर के इम्पोर्टेंस के हिसाब से उनको ऑर्डर में रख के पढ़ने का है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट, बाद में फिर थोड़े कम वाले।
तो यहाँ पे आपको क्या करने का, सबसे पहला जो चैप्टर आप पढ़ेंगे वो रहेगा आपका चैप्टर नंबर 9, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये चीज़ दिमाग में फिट कर लो, सबसे पहला चैप्टर जो आप पढ़ेंगे वो आपका चैप्टर 9, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री रहेगा, ठीक है। उसके बाद में आप लोग पढ़ेंगे चैप्टर 8, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, और उसके बाद में लास्ट में आप लोग पढ़ेंगे चैप्टर 7, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18। तो ऐसा नहीं कि बुक में ऐसा ऑर्डर दिया था मैं ऐसे ऑर्डर में पढ़ूंगा, पहले चैप्टर 9 को, फिर चैप्टर 8 को और फिर चैप्टर 7 को, ऐसा ही आपको पढ़ने का है। ये पढ़ने से आपका इंपॉर्टेंट पार्ट कवर हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने चैप्टर 7 को पहले पढ़ लिया तो चैप्टर 7 में आपका बहुत दिमाग खाएगा चैप्टर 7, और फिर आपको चलेगा यार अब मैं बहुत थक गया, अब तो मेरे से होगा ही नहीं पढ़ना, और अगर ऐसा बोल दिया तो भाई कैसे चलेगा आप ही बताओ। तो इसलिए इसको लास्ट में पढ़ना। एक और बात, चैप्टर 7 जो है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, 18, इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ना, ये इस चैप्टर को पूरा पढ़ने की कोशिश भी मत करना, अदरवाइज ये चैप्टर आपको ले डूबेगा, कितना भी पढ़ने जाएंगे तो दिमाग में कुछ नहीं घुसने वाला, ठीक है भाई। तो चैप्टर जो 7 है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, 18, उसमें से सिर्फ आप IMP क्वेश्चंस को पढ़ो, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, सिर्फ और सिर्फ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही पढ़ना। जो आपने देखा होगा ना इसके पहले कि कौन से इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको वीडियो में भी बताया था कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस उतना ही पढ़ना, ठीक है। और चैप्टर 9 और चैप्टर 8 पूरा पढ़ना। और देखो रिड्यूस पोर्शन हो गया, तो वैसे भी आपको रिड्यूस पोर्शन तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो इस तरीके से अभी आपका 9:30 बजे से लेकर 2 बजे तक के पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगा। चैप्टर 7, 8 और 9 पूरे के पूरे बढ़िया तरीके से कवर हो जाएंगे, और कैसे पढ़ना है ये मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। अब 2 बजे से लेकर 3 बजे तक के पूरा माइंड को रिलैक्सेशन दो, 2 से लेकर 3 तक के पूरा का पूरा, 2 से लेकर 3 तक के आप स्लीप ले लो या आप बढ़िया तरीके से रिलैक्स कर लो। अगर ये रिलैक्सेशन टाइम माइंड को नहीं दिया तो माइंड बहुत बढ़िया बुरी तरीके से ये हो जाएगा, समझ गए ना, इंजर्ड हो जाएगा आपका माइंड, वो काम ही नहीं कर पाएगा, और उसको आराम बहुत ज़रूरी है। तो 2 से 3 आप आराम दो, उसके ऊपर भी बेचारे के ऊपर रहम खाना है आपको। फिर 3 बजे से आप लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, 3 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक कंटिन्यूस पढ़ो, कंटिन्यूस 3 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक कंटिन्यूस पढ़ो। और इसमें आपको जो कवर करना है वो कवर करना है चैप्टर नंबर, देख लो कौन से चैप्टर बता रही हूँ मैं, चैप्टर नंबर आपको पढ़ने का है सबसे पहले चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13, 14, इतने चैप्टर्स 3 बजे से लेकर 8 बजे तक पढ़ ले लो, 9 बजे तक मत लो, 3 बजे से लेकर 8 बजे तक इतने चैप्टर्स काफ़ी है। चैप्टर 10, 11, 12 और 13 और 14, 10, 11, 12, 13, 14 ये पूरे प्योरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। तो ये चैप्टर्स आपको 3 बजे से लेकर 8 बजे तक पढ़ने का है, ठीक है। तो इतना काम आपका हो जाता है, याद रखना 3 बजे से लेकर 8 बजे तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये चैप्टर्स आपको पढ़ने के हैं। अब मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि आपको कौन से कैसे कैसे चैप्टर्स को पढ़ने का है, तो ज़रा यहाँ पे देना। सबसे पहले आप लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वो बिल्कुल इसी ऑर्डर में पढ़ो, ठीक है, ये जैसा ऑर्डर इसमें दिया हुआ है ना बिल्कुल वैसे ही ऑर्डर में आपको पढ़ना है, इसमें आपको ऑर्डर चेंज नहीं करना है। रीज़न ये है, अब आप लोग बोलेंगे क्यों ऐसा बोल रहे, अभी तो फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से चैप्टर 6 में आपने हमको बोला कि पहले इंपॉर्टेंट पढ़ो फिर उसके बाद में दूसरा पढ़ना, फिर इनऑर्गेनिक में भी बोला पहले इंपॉर्टेंट पढ़ो। रीज़न ये है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपने चैप्टर 10 को नहीं पढ़ा और डायरेक्ट चैप्टर 12 को पढ़ा तो आपको बेसिक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कुछ इसमें के रिएक्शन चैप्टर 10 में थे, कुछ इसमें के रिएक्शन चैप्टर 11 में थे, तो फिर अगर आप डायरेक्टली जम मारेंगे तो आपका ऐसा नहीं जमेगा, क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यहाँ पे ऐसा नहीं जम सकता कि आपने बीच में का कोई भी रैंडमली टॉपिक उठा लिया, क्योंकि सभी रिएक्शन एक दूसरे चैप्टर से रिलेटेड है। तो चैप्टर 10, 11, 12, 13 और 14 ये सारे चैप्टर्स आपको रात के 8 बजे तक ख़त्म कर लेंगे, समझ गए। तो इस तरीके से, तो अभी मैंने आपको क्या क्या बताया कि 3 बजे से लेकर 8 बजे तक चैप्टर 10, 11, 12, 13 और 14, ठीक है। उसके बाद में 8:30 से लेके ज़रा ध्यान से सुनना, 8:30 से लेके 11 o'clock तक के, ठीक है, 8:30 से 11 ले लो, अदरवाइज 10 भी ले सकते हो जाता है, इतना समय काफ़ी है आपके लिए। 8:30 से 10 तक के आप लोग कवर करेंगे चैप्टर 15 को और चैप्टर 16 को, क्योंकि ये दोनों चैप्टर बहुत ही ज़्यादा ईजी है, कुछ भी है ही नहीं इसमें, नहीं समझ में आता तो वन शॉट देख लो सीधा सीधा।
ठीक है, तो 8:30 बजे से लेकर 10 बजे तक चैप्टर 15 और चैप्टर 16 आपका पूरा पढ़ाई हो गया। तो ये स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप जाते हो तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपका रात के 10 बजे तक, 11 तारीख के दिन रात के 10 बजे तक पूरे चैप्टर्स पढ़ के हो जाएंगे। ये चैप्टर को पहले पढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर हमारा माइंड तो वैसे भी है जितना आराम दो उतना आराम ही चाहता है, तो अगर चैप्टर 15 और चैप्टर 16 सबसे पहले पढ़ लेंगे तो बाद में हार्ड चैप्टर्स की तरफ देखने की भी इच्छा नहीं करेंगे, और हार्ड चैप्टर्स की तरफ नहीं देखेंगे तो क्या होगा वो तो आपको भी पता है, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं रही। तो इसलिए ये चैप्टर्स बहुत ईजी है, और ईजी चीज़ को बाद में पढ़ा तो भी हो जाता है क्योंकि वो अपन को इंटरेस्ट आता है। हार्ड चीज़ पढ़ने में बड़ा दिमाग खाता है, वो पहले पढ़ना पड़ता है। तो रात को 8:30 से लेकर 10 बजे तक ही पढ़ लो और 10 बजे सो जाओ। 10 बजे सोने के बाद सुबह 5 बजे उठो, और सुबह 5 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक के आपको जो भी ऐसा लगता है कि मेरे को ये रिवाइज करना चाहिए या मेरे को वो रिवाइज करना चाहिए, वो आप रिवाइज कर लो, वो आपके हिसाब से। लेकिन सुबह के टाइम पर, मतलब आप जब आपका जिस दिन पेपर है 12th of March को, तो 12th of March को सुबह उठ के अब कुछ नई चीज़ पढ़ने मत जाना। ऐसा नहीं कि आज ही पहली बार पढ़ रहा हूँ, आज ही पढ़ लेता हूँ, ऐसा मत करना, अदरवाइज़ पूरा माइंड पागल हो जाएगा। तो सुबह 5 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक 12th of March को जिस दिन आपका केमिस्ट्री का पेपर है, उस दिन आप सिर्फ आपका जो भी मन करता है वो रिवाइज करो। ऐसा लग रहा है कि यार मुझे ये पार्ट पढ़ना चाहिए, इस चैप्टर के थोड़े से रिवीजन की और ज़रूरत है, बस रिवीजन करो। उस दिन तो कुछ नया चीज़ हाथ में मत लेना, अदरवाइज़ पूरा का पूरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लोग 10th of March के दिन फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स पढ़ने के बाद फिर आप न्यूमेरिकल्स के PYQs देखेंगे आधे घंटे में, उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे रात के 11 बजे तक। फिर सुबह 4 से सुबह के 8 बजे तक के वापस से फिजिकल केमिस्ट्री के वही चैप्टर्स को पढ़ के ख़त्म कर देंगे। फिर 9 बजे से लेकर 2 बजे तक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आपको ऑर्डर बताया कैसे कैसे चैप्टर्स को पढ़ना है, ऐसा नहीं कि लाइन से बुक में दिए तो मैं वैसे ही पढ़ूंगा। फिर दो से तीन रिलैक्स कर लो। फिर 3 to 8 o'clock तक चैप्टर 10, 11, 12, 13, 14 ये पढ़ डालो। पढ़ना ही पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते आप लोग, पढ़ना ही पड़ेगा। अब अगर आपसे नहीं छूता है तो वन शॉट देख लो भाई। अगर ऐसा लगता है कि यार अब मेरे से नहीं होगा, मैं इसे इतना बड़े बड़े चैप्टर में, तो वन शॉट देख लो। वन शॉट देखने से देखो भाई ऐसा है, कुछ नहीं से तो कुछ से, है ना, हम लोग बोलते हैं ना 0 मार्क्स से बेटर है आधा मार्क, राइट। तो कुछ नहीं से तो कुछ से, वन शॉट देख लो। क्वेश्चन बैंक देख लो, सभी आपके पास है, और मैंने पढ़ाते वक्त तो सभी इंपॉर्टेंट भी आपको बताया, तो आप वो चीज़ का फ़ायदा उठाओ। सुबह 8:30 बजे से लेकर रात के 8:30 बजे से लेकर 10 बजे तक चैप्टर 15 चैप्टर 16 पढ़ो, काम खत्म। 12th of March को सुबह 5 से सुबह 9 रिवीजन ही होना चाहिए, कोई भी चैप्टर उस दिन मत पढ़ना। 12th of March के दिन आपको जो पार्ट ऐसा लग रहा है कि इस चैप्टर में मुझे ये पार्ट रिवाइज करना है, वही आप करेंगे। ठीक है, नए चैप्टर को हाथ में मत लेना जो आपने आज तक कभी पढ़ा नहीं है। ठीक है, अब देखो इसके बाद एक और चीज़ क्या बोलना है मुझे, इसके बाद मुझे जो आपको काम की चीज़ बतानी है वो ये है कि आप लोग जब 9 बजे आपका पढ़ के हो गया, तो अब 9 बजे से लेकर जब तक के पेपर स्टार्ट नहीं होता, जब तक के कसम खाओ कि आप लोग बुक को टच भी नहीं करेंगे। डू नॉट टच बुक, बुक को बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, याद रखना इस चीज़ को। 9 बजे से लेके पेपर स्टार्ट होने तक आप लोगों ने देखा होगा बहुत बच्चे इतने पागल रहते हैं, पेपर के सेंटर पे भी वो बुक लेके खड़े होते हैं, और टीचर अंदर बुलाते रहता है, चलो भाई चलो अंदर, ऐसे 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 पढ़ते बैठते, और फिर वो टीचर ऐसे ऐसे करता है, फिर बंद करते रहते। दैट इज़, मतलब मेरे को लगता है बहुत ही बेकार, ये ख़राब चीज़ है। वो रीज़न ये है क्योंकि आप जब साल भर ही पढ़ाई नहीं करते तो पेपर के टाइम पर क्या बुक लेके क्या शो करना चाहते हो, वो कोई मतलब नहीं है, और उससे दिमाग में भी कुछ ज़्यादा नहीं है। 9 बजे के बाद बुक को हाथ भी मत लगाना, अगर हाथ लगाएंगे तो ये नहीं होगा। रीज़न ये है क्योंकि आपके माइंड को है ना टाइम लगता है 16 चैप्टर्स का रिवीजन करने के लिए। 16 चैप्टर्स का रिवीजन करना मजाक नहीं है, बहुत बड़ी चीज बात है भाई, वो पूरी बुक को आप दिमाग में रख के जाते हो, समझ रहे हो। तो 16 चैप्टर्स के रिवीजन के लिए कम से कम माइंड को 2 घंटे तो दो, क्या आप माइंड से वो भी टाइम ले लेंगे, नहीं भाई नहीं। तो ये चीज़ याद रखना, 9 बजे के बाद में आप लोग बुक को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएंगे। पूरा मैं तो ऐसे ही करती थी तो, और पूरा आता था लिखते, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, 95 मेरा स्कोर था, आराम से आता है, क्यों नहीं आता है। तो 9 बजे से लेकर पेपर स्टार्ट होने तक आप लोग बुक को बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, जैसा है बस वैसा ही है। अब वो 2 घंटे में और क्या मारने वाले होते, राइट। ठीक है, इस तरीके से आप लोग पेपर के लिए अपीयर होंगे।
सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, मेरी सभी के साथ बेस्ट विशेस है। ऑल द बेस्ट बोलने की जगह ऑल द वेरी बेस्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। मेरी मतलब मैं गॉड से विश करूंगी कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा जाए, बहुत अच्छा। आप लोगों ने साल भर पढ़ाई की हो या ना की हो, बट मेरी सभी से मतलब गॉड से आप सभी के लिए यही प्रार्थना रहेगी कि आप सभी का पेपर एकदम बेस्ट जाए। गिव योर बेस्ट, ठीक है। क्योंकि लाइफ में ट्वेल्थ बार बार थोड़ी आता है, एक ही बार आता है। तो एक ही बार आता है, जैसा आता है वैसा आता है। पूरा अपनी जान लगा दो भाई, ठीक है ना। एक दिन ही से जान लगा दो अपनी, एक दिन की बात है अब बस, है कि नहीं। तो एक दिन में देखो, एक दिन का भी मैंने कितना बढ़िया तरीके से आपको स्ट्रैटेजी बताया। तो पूरी पढ़ाई भी हो गई, 9 बजे के बाद बुक को टच मत करना, राइट। और ऐसा बिल्कुल माइंड में ख्याल मत लाना कि मुझे कुछ नहीं आता है, मैंने लास्ट क्लास में पढ़ना चालू किया, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, क्या करूँ, सब कुछ समझ नहीं रहा, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। हम लोगों के अंदर वो जो नेगेटिव थॉट है ना, अगर वो एक बार एंटर हो गया ना, तो वो नेगेटिव थॉट के वजह से आती हुई चीज़ भी नहीं आती। इसलिए एकदम बढ़िया तरीके से रहो। अपने फ्रेंड्स के बारे में मत सोचो कि यार वो तो साल भर पढ़ाई कर रहा है, मैंने तो लास्ट क्लास में पढ़ना चालू किया, मुझे तो आता ही नहीं। जाने दो ना, देखना ही नहीं। पेपर अपना है, पेपर देने वाले भी हम लोग हैं। किसी और के साथ अपना कंपैरिजन ही मत करो। वो अपनी जगह अपनी जगह, उसने की भी होंगी साल भर पढ़ाई, तो मुझे क्या। मैंने एक दिन पढ़ाई की, एक दिन में मैं कला मतलब ये बन के दिखाऊंगा, समझ गए। तो इस तरीके से, सो बेसिकली गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स, फिर फिजिकल केमिस्ट्री, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और पैटर्न मैंने पढ़ने का बताया है। इसी चैप्टर के ऑर्डर में पढ़ेंगे तो फायदे मिलेंगे, बाकी आपकी इच्छा, अपन फोर्स थोड़ी कर सकते भाई। इसी पैटर्न के ऑर्डर में पढ़ो, सबसे पहला किसको पढ़ना है, सबसे बाद में किसको पढ़ना है, राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे बता दिए हैं, वन शॉट वीडियो सारे दे दिए हैं, सभी चैप्टर्स के वन शॉट है। नहीं होता है वन शॉट देख लो, नहीं हो रहा है ना पढ़ना, ऐसा लग रहा है यार मेरे से अब नहीं होगा, तो वन शॉट पूरे देख लो, मैंने बढ़िया तरीके से समझा है। और अगर आपके पास टाइम बचता है तभी क्वेश्चन बैंक को एट प्रेजेंट हाथ लगाओ, अदरवाइज क्वेश्चन बैंक को हाथ मत लगाना, अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट होगा, राइट। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाय बाय।